नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र की सरकारी योजनाओं के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हुए RS के एग्जाम हो चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, सभी एग्जामों में सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आराम से पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सभी सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2019 की जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में करेंगे, तो उसके पीछे 2018 में 2017 में जो भी योजनाएं गई हैं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुँच सके। तो पहली सरकारी योजना है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसके बारे में कितना बजट है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें देखेंगे। तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी घोषणा कब हुई, तो इसे लागू कब किया गया, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इसकी घोषणा कब हुई, तो आप नोट कर लीजिए, 1 फरवरी 2019 को जो बजट पेश किया गया था उस समय इसकी घोषणा की गई थी। यह लागू कब से की गई दोस्तों, तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों आत्महत्या की दर को कम करना तथा कृषि में सुधार करना। किसानों की आत्महत्या का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसान ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं पैसों की तंगी के कारण। इसलिए केंद्र सरकार ने 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये वार्षिक किसानों के खातों में डायरेक्ट डालने का यह योजना बनाई है। तो इस योजना का नाम क्या है, PM किसान योजना। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर इस योजना की पूरी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में दोस्तों, जैसे आपको हमने बताया कि 2 हेक्टर तक या उससे कम भूमि वाले किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं। हाल ही में दोस्तों चुनाव के बाद में इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है, तो सभी किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी गई है। दोस्तों, अगला है जो है वह है कि 12 करोड़ छोटे और सीमांत वर्ग के किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना कृषि मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है, तथा कृषि मंत्रालय इसका संचालन करेगा। तो PM किसान निधि योजना के तहत यह एक वित्तीय सहायता योजना है दोस्तों। इसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लागू किया गया था, कब किया गया, 24 फरवरी 2019 को किया गया था। अगली जो योजना है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट दूसरी योजना के बारे में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये फोटो में आप देखिए दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ये फोटो है, इसमें लिखा गया कि जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। ये नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, यह दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM योजना, असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो 15 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत की गई। तो न्यूनतम जो निश्चित पेंशन की गई है वह 3,000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष की आयु होने पर आजीवन भुगतान करने की ये योजना है। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में यदि आप विस्तार जानकारी चाहते हैं तो www.labourgov.in पर जाकर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी घोषणा कब हुई, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा दोस्तों 1 फरवरी 2019 को की गई। इसका बजट कितना है, इसका बजट 500 करोड़ रुपये इसका बजट है। तो इसकी घोषणा पूछ ली जाए तो 1 फरवरी 2019 है, जबकि इसकी शुरुआत दोस्तों लागू कब से की गई, तो ये 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई। दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य जो 15,000 से कम मजदूरी वाले जो असंगठित क्षेत्रों में कामगार हैं उनको पेंशन उपलब्ध करवाना, वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु के बाद में पेंशन उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
दोस्तों लाभार्थी मजदूरों व असंगठित क्षेत्रों में जो काम कर रहे मजदूर हैं उनके लिए एक प्रकार की पेंशन योजना है। यह दोस्तों पेंशन किन किन को मिलेगी, तो यह 60 वर्ष की आयु में के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। दोस्तों 18 से 40 वर्ष के लिए जो कामगार है उनको अपने खाते से, वैसे अभी बैंक खाते में इस योजना को शुरू करने के लिए खाते से पेमेंट कटवाना होगा, उसके बाद में ही 3,000 रुपये मासिक पेंशनें मिल पाएगी। दोस्तों 18 से जो 29 वर्ष हैं उनके लिए 55 रुपये प्रति महीना कटेगा। 30 से 40 वर्ष के लिए दोस्तों जो कामगार हैं उनके लिए ये शायद 75 रुपये के लगभग है, 75 रुपये प्रति महीना ये पेंशन खाते से कटेगा। उसके बाद आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद में मिलेगा। यह दोस्तों पेंशन योजना के सम्मान ही ये योजना है। अगला देखते हैं, हमने 2019 के जो महत्वपूर्ण योजना थी जिनसे प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। अब चर्चा करते हैं 2018 की जितनी भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली जो योजना है दोस्तों 2018 की है, यह है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएम सुरक्षा योजना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में चर्चा करते हैं, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसका शुरुआत कब की गई, इसकी घोषणा क्यों की, इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी घोषणा दोस्तों 1 फरवरी 2018 को की गई। इसे लागू कब किया गया, इसे लागू 14 अप्रैल 2018 को इसे लागू किया गया। इसका बजट कितना है, इसका बजट दोस्तों 1200 करोड़ रुपए इस योजना का बजट है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो इस योजना की शुरुआत, पीएम सुरक्षा योजना की शुरुआत रायपुर छत्तीसगढ़ से की गई। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है देश के लगभग 10 करोड़ परिवार या 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना में दोस्तों जो केंद्र और राज्य का जो अनुपात होगा वह 60:40 होगा, यानी 60% तो केंद्र सरकार देगा तो 40% है वो राज्य सरकार खर्चा वहन करेगी। अगला जो इस योजना के बारे में जानकारी है वह दोस्तों इसे मोदी की योजना के नाम से भी जाना जाता है, यानी मोदी सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी जानते हैं, तो इसे आयुष्मान भारत योजना के तहत लागू किया गया है। अगली जो योजना 2018 की उसके बारे में देखते हैं, वह है दोस्तों प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्षता योजना, यानी जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो PMRF जो PhD स्टूडेंट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण योजना है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह दोस्तों एक छात्रवृत्ति योजना है, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2018 को की गई, तो इसे लागू दोस्तों 7 फरवरी 2018 से इसे लागू किया गया। इसका बजट 1650 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, ये वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य देश भर के लगभग 1000 छात्रों को जो BTEC MTEC कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति देना। यह दोस्तों योजना है, ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इसमें 5 साल तक छात्रवृत्ति दी जाती है, इसमें पहली एवं दूसरी वर्ष 70,000 रुपये महीना, तीसरे वर्ष 75,000 रुपये, चौथे और पांचवें वर्ष 80,000 रुपये महीना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, इसके लिए 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। दोस्तों अगर शोध पत्र लगाता है तो 2 लाख दो बार शोध पत्र किसी भी देश में किसी भी संस्था में लगाया जा सकता है, तो 2 लाख रुपए प्रति महीना आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दोस्तों इस योजना के बारे में जानकारी और देखते हैं, तो इस योजना का फायदा केवल जो IISc, IIT, IISER, IITS और NITS से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र ही उठा सकेंगे, यानी इन कॉलेजों में जो छात्र पढ़ रहे हैं वह इस योजना के लिए चुने जाएंगे। जो छात्र दोस्तों BTEC, MTEC, MSc के अंतिम वर्ष में हैं वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए हकदार होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन छात्रों के पास कम से कम 8 संचयी ग्रेड पॉइंट औसत CGPA 8 ही होने चाहिए, 8 से ऊपर CGPA होना चाहिए। दोस्तों ऊपर बताए गए शर्तों के अलावा वो छात्र भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में ऊपर बताए गए विषयों में डिग्री प्राप्त की है, यानी जिन छात्रों ने 2013 में अपनी डिग्री हासिल कर ली है वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस योजना के बारे में देखते हैं कि जो पहले साल जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वह हर महीने 70,000 रुपये होगी, दूसरे साल 70,000, तीसरे साल 75,000, चौथे साल 80,000 और पांचवें साल 80,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगली जो योजना है दोस्तों वह है नव भारत निर्माण योजना,
तो ये तीसरी योजना है नव भारत निर्माण योजना। तीसरी योजना कौन सी ईयर की है, 2018 की है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो हम ऐसे ही और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अलग अलग हमने वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप हमारे वह वीडियो भी अलग अलग योजनाओं के बारे में अलग अलग पूरी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों बजट 2018-19 जो आया था उसमें इस योजना के बारे में बताया गया था कि एक वर्ष में 1 बिलियन यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डों की क्षमता में 5 गुना से अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। तो इस योजना के तहत नव निर्माण योजना के तहत हवाई अड्डों का निर्माण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इसको लागू कब किया गया या इसकी घोषणाएं और लागू 1 फरवरी 2018 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य आगामी वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 5 गुना बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों उड़ान देश का आम नागरिक इसमें विकास के लिए योजना बनाई गई है। अगला जो योजना है वह ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में हम देखते हैं, तो ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो ऑपरेशन ग्रीन के बारे में, ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड टू एड्रेस प्राइस वेलोसिटी ऑफ पेंसिबल कॉमिटेट्स लाइक पोटेटो टोमेटो एंड ओनियन, इनके बारे में यह टमाटर आलू व प्याज के बारे में ये योजना है। तो ऑपरेशन ग्रीन के बारे में हमें जानते हैं, तो इसे दोस्तों लागू कब किया गया, तो 1 फरवरी 2018 को इसकी घोषणा की गई, तो इसे लागू किया गया। इसका बजट दोस्तों 500 करोड़ रुपये है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आलू टमाटर और ये प्याज, ये तीनों जो फसलें हैं, इन फसलों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ावा देना, यानी उसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ऑपरेशन ग्रीन योजना का। अगली जो योजना है वह कुसुम योजना। तो कुसुम योजना के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान मिशन योजना। तो कुसुम जो योजना है उसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें किसानों को जो ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसमें दोस्तों सिंचाई व्यवस्था को बिजली से जोड़ने और सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। इसको दोस्तों लागू किया गया 1 फरवरी 2018 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है किसानों द्वारा कृषि यंत्रों को बिजली व डीजल से न चलाकर सौर ऊर्जा से चलाना व बिजली का उत्पादन किसान ग्रिड को देने के बदले ग्रिड कुछ राशि देगा, जिसमें 3 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों इस योजना के द्वारा किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। अगली जो योजना है वह है पीएम आशा योजना। तो पीएम आशा योजना के तहत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसकी फुल फॉर्म यह होगी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इस योजना के बारे में क्या नया है। तो पीएम आशा योजना, इसका फुल नाम पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका फुल नाम है। इसकी लागू कब की गई दोस्तों, तो ये 13 सितंबर 2018 को इस योजना को लागू किया गया। कब किया गया, 1 फरवरी को नहीं, 13 सितंबर 2018 को इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों लागत की आय का 1.5 गुना मूल्य देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अगली जो योजना है उसके बारे में देखते हैं, यह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, 23 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ से किया गया, 2:30 बजे प्रभात तारा मैदान रांची झारखंड से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना में क्या विशेष है, इस योजना में दोस्तों 10 करोड़ से अधिक जो चयनित परिवार हैं उनको 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलना है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ इस योजना के द्वारा आप उठा सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसको लागू कब किया गया, 23 सितंबर 2018 से किया गया, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई तारा मैदान से। दोस्तों यह वर्ष 2011 के जो बीपीएल परिवार हैं, जो आर्थिक व सामाजिक जनगणना के तहत हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों ये केंद्र व राज्य के 60:40 की भागीदारी होगी, मतलब 60% जो खर्चा है वह केंद्र देगा, 40% है वह राज्य सरकार वहन करेगी। दोस्तों ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के सम्मान ही है। तो ये दोस्तों हमने कुछ योजनाएं आपके लिए लेकर आए, जो महत्वपूर्ण योजना जिन एग्जामों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सभी योजना की चर्चा हमने इस वीडियो में कर दी। इसके अलावा दोस्तों हर योजना के बारे में हम अलग से
एक योजना का एक वीडियो बनाकर उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जल्द ही उसके वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास जो बेल आइकॉन इस प्रकार का जो घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।